तीन शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवाधिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के